लड्डू सिंह जी बचाइए, एक चोर मुझे पकड़ के ले जा रहा है। शिवा, वो चोर सेठ को पकड़ कर ले जा रहा है, जल्दी उसे बचाओ। तुम आ गए, तुम तो फाइट नहीं कर सकते, वादा किया है। गुड बॉय, हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो, मुझे मेरा काम करने दो। ओके, मैं फाइट नहीं कर सकता, पर चोर अंकल तुम्हें इसे ले जाने भी नहीं दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। तुमसे तो पूरे 20 करोड़ वस। ये क्या बोला है? बगैर फाइटिंग करे सेठ को कैसे बचाएगा? बचा भी दिया लड्डू सिंह जी, आपके सेठ करोड़ी मल जी को ले आया, और वो भी विदाउट फाइट के। थैंक यू शिवा, कमाल कर दिया, बिना फाइट के सेठ जी को बचा लाए। पर शिवा, ये तुम्हारा 15 दिन कब पूरा होगा? कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। नहीं आएगा, और अगर ये आया तो आप बिना पूछे अंदर कर देना, छोड़ना नहीं। अरे अरे शिवा, मैं उसे अंदर कहाँ करता हूँ, वही मुझे अंदर कर देता है। ओके लड्डू सिंह जी, जब आए तो मुझे बताना, देखता हूँ उसे। तुम फिर आ गए। पहले ये बताओ, तुमने उस लड़के को मेरे पीछे क्यों भेजा? तुम चलोगे? अरे छोड़ो, अरे अरे शिवा, अरे बचो। बोलिए पिड़ाराम जी। शिवा, वो चोर लड्डू सिंह जी को पकड़ के ले गया। अरे कहाँ ले गया? मुझे नहीं पता कहाँ ले गया। आपके पास पुलिस डॉग नहीं है जो सूंग सूंग कर क्रिमिनल तक पहुंचता है? नहीं, तुम्हारा वो डॉगी है ना, उसको बोला ना सूंगे। अरे हाँ। यहाँ ढूंढो, यहाँ होंगे, यहाँ ढूंढो, यहाँ होंगे। हाँ हाँ, अंदर ढूंढो, अंदर छुपे होंगे। अरे भाई, क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ क्या छुपा है? लड्डू सिंह जी को कहाँ छुपाया है? लड्डू सिंह? लड्डू सिंह तो यहाँ नहीं है भाई। तो फिर डॉगी यहाँ सूंघते हुए क्यों आया? याद आया, लड्डू सिंह जी ने कुछ दिन पहले यहाँ से चिकन खाया था, वही सूंघते हुए यहाँ आ गया है। ओके, वापस पुलिस स्टेशन चलते हैं, कुछ और सुंघाते हैं। ये सुंघाते हैं, ये सुंघो, ये लड्डू सिंह जी की ओरिजिनल स्मेल है।
गया? इसे क्या हो गया? ये तो सॉक्स सुन के बेहोश हो गया। इसमें क्या है? ये तो ठीक है। ये तो फेल हुआ लड्डू सिंह जी को ढूंढने में। अब कोई और प्लान बनाना होगा। आ गया आइडिया। अरे चोर भाई साहब, और कितने पीटोगे? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। देखो अब हम कहां कहां चोरियां करते हैं। ये देखिए बहादुर शिवा ने इस चोर को कैसे पकड़ा। आज ही सुबह ये चोर यहाँ चोरी कर रहा था। अरे इसने फाइट शुरू कर दी। इसने तो 15 दिनों का वादा किया था। अब मैं शहर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसके नाना नानी के पास। जय हो मालिक की, ऊपर वाले की। बस ये जानने आया था कि आपके शिवा ने कहीं फाइट तो नहीं शुरू कर दी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे शिवा ने कोई फाइट नहीं की। वो टीवी पर न्यूज देखी, शिवा लड़ाई कर रहा था तो आपको चेतावनी देने आया। क्या शिवा फाइट कर रहा था? हाँ हाँ बचाओ, इस साधु ने अपनी आँखों से देखा वो। शिवा बाहर आओ बेटा। शिवा तुमने फिर फाइट शुरू कर दी। नहीं नानी, आपसे किया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। अरे महाराज जी ने न्यूज में देखा है तुम्हें, तुम फाइट कर रहे थे। नहीं नाना जी, वो कोई पुरानी क्लिपिंग देख रहे होंगे। हाँ शिवा, 15 दिनों तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। साधु महाराज जी ने मना किया है, वरना इस घर पे संकट आ जाएगा। नाना जी ऐसा कुछ नहीं होता। अरे हाँ आदि, होता है होता है। देखो ये बालिका कितनी बुद्धिमान है, बड़ी ज्ञानी है। हाँ हाँ, मैं तो महाराज आपका चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि आपका पिट योग आने वाला है, 15 काल आने वाला है। बालिके ये पिट योग क्या होता है, 15 काल क्या होता है? शिवा महाराज को अंदर ले जाओ और इन्हें अच्छी तरह पिट योग बता दो। आइए महाराज अंदर आइए, मैं आपको पिट योग बताता हूँ। ठीक है चलो बच्चा। अरे महाराज इतना बोझ लेकर कहाँ जा रहे हैं, इसे उतार दीजिए। नानी ये चोर है, इसी ने ही लड्डू सिंह जी को पकड़ कर रखा है और उनकी पिटाई भी की है। महाराज अब पिटयोग समझ में आ गया? नहीं शिवा मैं हार गया, अब बस करो लड्डू सिंह जी, मुझे जेल ले चलो। लड्डू सिंह जी कहाँ है? अरे अरे शिवा अकेले ही फाइट करते रहोगे क्या? मुझे तो निकालो यहाँ से। शिवा मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ। छुड़ाया? अब शिवा तुम हट जाओ, हटो। शिवा तुम देखना मेरे सीक्रेट वेपन का कमाल। अब इससे मैं हिसाब बराबर करता हूँ। क्यों? सॉरी शिवा, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, तुम ठीक तो हो ना? आई एम ओके, पर वो चोर भाग गया। ओहो
चेहरे का क्या हाल बना दिया बच्चे ने, बड़ा क्लेवर थीफ बने घूमते हो। No one can defeat me now, never ever. और एक बच्चे से पिट करा गए। उस बच्चे ने एक बार मुझे मात दे दी तो क्या, अब मुझसे नहीं बचेगा। मैंने देखा सारा कमाल उसकी साइकिल का है, अब उसकी साइकिल ही उसकी मुसीबत होगी। लगता है कोई मेरे घर चोरी करने आया था, लेकिन डॉगी के भौंकने की वजह से भाग गया। हेलो हेलो शिवा, वेदास जन कल्याण बैंक में चोरी हुई है, कल वाला चोर था, जल्दी जाओ। आप कौन बोल रहे हैं? कौन था शिवा? पता नहीं, पर उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि वेदास जन कल्याण बैंक में चोरी हुई है। बच्चे आज मुझे पकड़ के दिखाओ। लड्डू सिंह जी, कल वाला चोर मिल गया है, जल्दी आइए। तुम उसका पीछा बिल्कुल मत छोड़ना रेवा, मैं अभी आता हूँ। अब क्या करोगे शिवा? बाय बाय शिवा। ओहो, अब इसे क्या हो गया? अरे ये फिर से बच गया। Well done, Shiva! Well done! कोई नहीं शिवा, मुझसे एक चूक हो गई, नहीं तो अभी तुम नीचे गिरते हुए सीधे ऊपर पहुंच जाते। हेलो शिवा, हमने तुम्हें लैंड होते देख लिया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग भी कुछ देर में नीचे पहुंचने वाले हैं। लड्डू सिंह जी, मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं ठीक हूँ, मेरी साइकिल बुरी तरह से डैमेज हो गई है, उसको ठीक करने में मुझे टाइम लगेगा। ओके शिवा। लगता है सारी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, तुम लोग नीचे मत आओ, इतनी रात को अंधेरे में कोई स्लिप हो गया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं शिवा, हम तुम्हें वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते।
पकड़ने, खुद की जान के ही लाले पड़ गए। शिवा, शिवा। ये बच्चा है कि क्या है? वुल्फ को भी भगा दिया, इसके लिए तो कुछ और ही इंतजाम करना पड़ेगा। सुबह देखूंगा। बच्चा तो ठीक से सोने भी नहीं देता है। इसने अपनी साइकिल भी ठीक कर ली। लड्डू सिंह जी, आप भी ऊपर आ जाइए, मैं क्लेवर थीफ को देखता हूँ। ओके शिवा, हम लोग अभी आते हैं। पेड़ाराम तैयार हो जाओ। कैसे आ गए? अभी भी मौका है, चले जाओ, ये मेरा इलाका है। फिर भी फाइट का मन है तो आ जाओ बच्चे। बच्चा नहीं कह रहा अंकल। फंस गया बच्चा। क्या हुआ? आओ आगे आओ बच्चे। शिवा, शिवा नाम है मेरा। हिम्मत है तो आओ, लड़ो मुझसे। क्यों नहीं, अभी आता हूँ। कम ऑन शिवा। शाबाश शिवा। मैं सरेंडर करता हूँ। देखा क्लेवर थीफ, मैंने हरवा दिया ना तुमको। लड्डू सिंह से जीतना इतना आसान नहीं है। ये तो इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता।